वाहि बरकातहू। मैं खैरुद्दीन महमूद साहेब शेख धारवाड़ कर्नाटका से आज आप तमाम हजरात की दुआओं से अपने अहलिया के साथ जो है सफर मदीना के लिए रवाना हो रहा हूँ। हज 2024 में जो है दाखिल होना हमारा मकसद है। ये अल्लाह के घर का दीदार हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक हो, ये तमाम आप लोगों की दुआओं की बदौलत हुआ है। अल्लाह ताला हमारा जाना, वहाँ पर पहुँचना, वहाँ पर तमाम अरकान को अदा करना कबूल फरमाए और आसान फरमाए, इस तमाम की बातों की जो मैं आपसे दुआ करता हूँ। अब रही दूसरी बात हज भवन के मुतालिक, माशाल्लाह कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, हज डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से बड़ा ही बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। हाजियों के लिए तो इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, जितनी भी तारीफ जो इस डिपार्टमेंट की जाए वो बिल्कुल कम है। यहाँ के वज़ीर वक्फ, वज़ीर हज और वज़ीर माइनॉरिटी, इन दोनों तीनों हजरात का मैं ममनून और मशकूर हूँ। बड़ी बेहतरीन अंदाज से खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम और हमारे लगेज लेने का, टिकट्स देने का नज़्म व ज़ब्त के साथ बड़ा ही बेहतरीन अच्छा इंतज़ाम किया गया है। उम्मीद है कि इसी तरह से जो है जो भी आज़मीन हज यहाँ कर्नाटक से जा रहे हैं वहाँ मदीने में और मक्का में भी जो इसी तरह का इंतज़ाम होगा। हम ममनून और मशकूर हैं और ख़ास करके जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका तो लाजवाब काम है। बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी फायदे के जो है बिल्कुल मोहब्बत के साथ जो यहाँ पर हमारे साथ पेश आ रहे हैं, मैं उन तमाम वॉलंटियर्स का भी ममनून और मशकूर हूँ। खैर आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है हमारा सफ़र आसान फरमाए, कबूल फरमाए और हज भी जो है आसान फरमाए और कबूल फरमाए। जितने भी हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें बेहतर सेहत के साथ अपने तमाम अरकान को अदा करते वापस लौटने की कोशिश करें। चलो अल्लाह हाफिज़।